दिन दिहाड़े हुई लाखों की लूट का एक मामला सामने आया है। लुटेरों ने पहले उस जगह की जांच पड़ताल की और फिर मौका पाते ही लाखों की लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना रेवाड़ी के सेक्टर 4 में भारत फाइनेंस के नाम से चल रहे ऑफिस की है, जहां लूट की मंशा से आए 3 लुटेरों ने पहले तो लोन के बारे में पूछताछ की और वहां से चले गए। जैसे ही स्टाफ के लोग फील्ड में चले गए तो 15 मिनट बाद तीनों युवक फिर वहां आए और ऑफिस में बैठे राजेंद्र नाम के कर्मचारी से 90,000 रुपए लोन की बात की। राजेंद्र के मना करने पर उनमें से 2 युवक पानी पीने के लिए बाहर आ गए और तीसरे ने मौका पाकर कर्मचारी की कनपट्टी पर पिस्टल रख उससे तिजोरी की चाबी मांगी और देखते ही देखते युवक ने तिजोरी में रखे 16,36,000 रुपए निकाल लिए और कर्मचारी को बंधक बनाकर तीनों रफू चक्कर हो गए। राजेंद्र ने जैसे तैसे अपने आप को खुलवाकर पुलिस में स्टाफ को सूचित किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ DSP मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शक के आधार पर राजेंद्र को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है, जिसके लिए आसपास के घरों के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ऐसे नॉन पर्सन बन के 3 लोग आए थे, ठीक है, उन्होंने लोन के बारे में पूछा, सर बता के उनको फील्ड में चले गए। कितने लोग आए थे यहाँ? जो 3 लोग आए। पिस्टल पॉइंट पूरा मामला है। आज हमें सुबह सूचना मिली थी कि भारत फाइनेंशियल ये इंक्लूसिव लिमिटेड है, इसकी सेक्टर 4 के अंदर जो इन्होंने मकान यहाँ पर 1903 नंबर में है, तो वहाँ पर 3 व्यक्ति आए और जो पिस्टल पॉइंट के नोक पर इनसे जो 16 लाख के करीब रुपये ले गए। जो इस संबंध में हम मौके पे हैं, अभी जांच कर रहे हैं और आसपास की CCTV फुटेज वगैरह भी देख रहे हैं और तलाश की। इतना कहीं ना कहीं इनकी सुरक्षा में चूक है। आमतौर पर जनता को ये भी कहा जाता है कि चेस्ट अच्छी तरह से रखो, ये बात तो ठीक है कि निर्धारित जो इंस्ट्रक्शंस हमको थे फॉलो नहीं कर रहे हैं, इनके बारे में भी जागरूक। इस तरह से फाइनेंस चलाना ये सब जांच का विषय है कि क्या ये सही है। अभी ये सभी चीजें प्रिलिमिनरी नहीं देख पा रहे। हमारा मुख्य उद्देश्य पहले कल्प्रिट्स को पकड़ना है, जिसके ऊपर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। CCTV आसपास के जो CCTV कैमरे हैं उनको देख रहे हैं। फिलहाल लाइट नहीं है, तो उनको जैसे भी आ जाएंगे, अभी लाइट चली गई तो आने के बाद, और बाकी हमने स्पेशल टीमें भेज दी गई हैं आसपास, नाकाबंदी जिले में करा दी गई है, हमारी CIE एक्टिवेट कर दी गई है और हर तरह से हमारा पहला जो है किसी तरह से मुलजिमों को